पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का बड़ा बयान सामने आया है। विकास और मेहनत के दम पर एमपी में दोबारा सरकार बनाएंगे। केंद्र और राज्य सरकारें जमकर विकास के कार्य कर रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बयान दिया। ये अच्छा है कि वो यात्रा कर भारत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस यात्रा से राहुल गांधी को सोच समझकर बोलने में मदद मिलेगी। लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष बेहद जरूरी है। शराबबंदी सरकार का नीतिगत मामला है। कोई नहीं चाहता कि उसके घर का सदस्य शराब पिए। शराबबंदी सिर्फ सरकार का नहीं, सामाजिक दायित्व भी है। जबलपुर में आज आई थी। वास्तव में बत्सल न्यूज वालों ने एक कार्यक्रम किया था, बहुत अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के सभी शहरों में वृक्षारोपण महिलाओं को ले, महिलाओं को आगे रखे। और केवल वो वृक्षारोपण नहीं था, शपथ दिलाई थी, मतलब जिसको हम कहते हैं स्त्री के सशक्तिकरण की एक प्रकार से शपथ, महिला पुरुष सबको, मगर पौधे महिलाओं के द्वारा। तो आज उसका समापन था उस कार्यक्रम के लिए। आज मैं जबलपुर में आई थी। चुनाव जो है लगभग कई बार रही है, कैसे देखते हैं सरकार तैयार है? मध्य प्रदेश में एक बात सुनो कि सरकार तो काम अच्छे कर रही है, मतलब केंद्र की भी और प्रदेश की भी। विकास को सामने रख के पहली बार ऐसा लगा कि विकास और विकास ही सामने रख के शहर शहर में काम हो रहे हैं। इसको महसूस तो हम सभी कर रहे हैं हर शहर में। मैं जबलपुर अभी बहुत सालों बाद आई तो देखा पूरा जबलपुर का चेहरा बदल गया है जैसे। तो विकास के काम तो खूब हो रहे हैं। संगठन भी अपना प्रयास, संगठन भी बढ़ रहा है। कभी कभी लोगों को लगता है कि बढ़ रहा है इसलिए पहले की पकड़ कम हो रही, तो होता है अपने घर में भी कभी ऐसा होता है, विस्तार होता है। तो लेकिन मेरे हिसाब से दोनों सरकार और संगठन दोनों के काम अच्छे हैं। तो और चुनाव में बिना मेहनत के तो कुछ हाथ में नहीं लगता, तो मेहनत करेंगे खूब, दोबारा सरकार लाएंगे फिर। हाँ, एक सवाल है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश आ रही है। हाँ, मध्य प्रदेश में आगमन होना है। मुझे इतना अच्छा लगा, सच बताती हूँ। मैं जब प्रवचन करती थी तब मैं बोलती थी जितनी जिसको भी देश के लिए काम किया है, मैं महापुरुषों के उदाहरण देगी, उन्होंने पहले हिंदुस्तान को देखा और काम में लग गए। तो मुझे लगा कि राहुल जी को ये इच्छा भी हुई, नहीं तो पहले तो यूं ही बोलते थे, अब वो ये इच्छा हुई, ये मैं एक अच्छी बात मानती हूँ कि एक युवा को, अभी तो थोड़ा सा हो गई उनकी भी अनुभव आ गए उनको, मगर अच्छी बात है अगर इससे वो पूरे हिंदुस्तान को समझेंगे। क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं, प्रजातंत्र में विपक्ष का अपनी एक भूमिका रहती है, और मैं हमेशा कहती थी विपक्ष भी उतना ही मजबूत जो पूरे हिंदुस्तान को ध्यान में रख के बात करे। जैसा हमारा जो विपक्ष था जब हम थे विपक्ष में, तो अटल जी के लिए जो बोला जाता था कि पूरे एक एक चीज़ की उनको मालूम थी, अटल जी है, अडवाणी जी है। तो आज भी हम कल्पना करते विपक्ष की, तो लगता है ऐसे ताकतवर नेता तो चाहिए कि जो सरकार को जगाते रहेंगे। तो मैं कभी ऐसा नहीं चाहूँगी कि विपक्ष निकल जाए, नहीं, और जो पूरे हिंदुस्तान को समझ करके बोले। तो अगर राहुल जी की जो पदयात्रा है वास्तव में अगर वो हिंदुस्तान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उसका स्वागत करूँगी। मैं चाहूँगी ताकि समझ बुझ के वो आगे की बात कर पाएंगे। मध्यप्रदेश कांग्रेस मजबूत होगी इस यात्रा से, चुनौती होगा इस यात्रा से कांग्रेस, मध्यप्रदेश कांग्रेस मजबूती मिलेगी सरकार की? देखो वो तो उनका पक्ष के अंतर्गत की बात है, किसको मजबूती, वो देश को मजबूती देना चाहिए कि जाते हैं कि संगठन को मजबूती देना, ये उनका प्रश्न है। मैं उसमें नहीं जाती क्योंकि उनका संगठन का प्रश्न है कि क्या संगठन को मजबूत करने के लिए यात्रा कर रहे क्या, ये मुझे नहीं मालूम। मैं इस रूप में उसको लेती हूँ कि एक युवा नेता देश को समझने निकला है तो कुछ देश का भला ही सोचेगा, और सोचना चाहिए, होगा। लास्ट है, शराबबंदी के लेकर मध्यप्रदेश में आवाज बुलंद हो रही है, शराबबंदी को लेकर पिछले दिनों मां भारती ने खुला था, अजय विष्णु जी ने भी एक लेटर लिखा है कि मध्यप्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए। देखो ये भी ऐसा है, नीतिगत मामला है, मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगी, मुख्यमंत्री का क्या कहना, कौन चाहेगा कि कोई शराब पिए, मगर क्या उसका उपाय शराबबंदी ही है या सामाजिक जागरूकता करके होना चाहिए, व्यक्ति अपने मन से छोड़े।
तो वो बात होती है कि नहीं पिए शराब, तो कहीं ना कहीं उसमें सोशल वर्क भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, सामाजिक जागरूकता करना ये मायने, तो सामाजिक संस्थाओं का काम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ऐसा मुझे लगता है। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।